अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है ना, तो ये वीकेंड व्लॉग है एंड आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाते हैं। हस्बैंड की भी ही दावत कर देते हैं एंड अपनी खुद की भी दावत कर देते हैं, स्पेशल फील कराते हैं। वैसे तो खाना शाना रोज़ ही बनता है, बट डेली जो है ना, वो स्पेशल कुछ ना कुछ इस तरह से बन नहीं पाता है, क्योंकि मटन हो या चिकन हो एंड ऑयली खाना जो है ना, वो बंदा डेली बेसिस पर नहीं खा पाता है। एंड हस्बैंड का भी जो डे था ना, वो ऑफ था, आज उन्हें ऑफिस नहीं जाना था, तो मैंने डिसाइड किया कि डिनर में मेन्यू में जो है ना, वो बिरयानी बनाते हैं एंड चिकन का कोरमा बनाते हैं। अच्छा, जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो बेटी जो है ना, वो मुझे ढूंढ कर आ ही जाती है। मैं इतना छुप छुपा कर बैठती हूँ उससे, बट वो जो है ना, वो आ ही जाती है एंड उसकी आवाज़ जो है ना, वो पीछे से आती ही रहती है, मम्मा मम्मा करके जो है ना, मुझे बुलाती ही रहती है। एंड मैं जो है ना, वो जब भी इरादा बनाती हूँ वॉइस ओवर करने का, तो बेटी जो है ना, वो मुझे आवाज़ पे आवाज़ देती ही रहती है। मैं जो है ना, उसे बहुत बहला कर आती हूँ, उसके जो बहुत सारे टॉयज़ हैं तो उसमें वो खेलती रहती हूँ, कितना भी बिजी हो ना। बट जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे उसको ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने सोचा कि जितनी भी प्रिपरेशन है ना, तो मैं पहले से करके रख लेती हूँ। तो एक प्लेट में मैंने बहुत सारा गरम मसाला ऐड करा बिरयानी के अकॉर्डिंग एंड चिकन के कोरमे के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा। पानी ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज को जो है ना, वो कट करा एंड उसे फ्राई करके रखा, क्योंकि बिरयानी में भी उसकी ज़रूरत पड़नी थी एंड चिकन के कोरमे में भी उसकी ज़रूरत पड़नी थी। तो सबसे पहले मैंने कोरमा बनाकर रेडी करा, क्योंकि कोरमा जो है ना, मैंने बहुत कम क्वान्टिटी में बनाया था, क्योंकि सिर्फ हम ही 2 लोग हैं, इसके अलावा तो कोई खाने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि ज़्यादा बनाकर क्या करूँगी, वेस्ट ही हो जाना है। तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में चिकन का कोरमा बनाया था एंड बिरयानी जो है ना, मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, 1 kg के अकॉर्डिंग बनाई थी मैंने, क्योंकि जो मेरा नेबर्स है ना, तो मैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। अच्छा, 1 kg जो है ना, मैंने चिकन लिया हुआ था एंड इसको मैंने 2 आवर पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। जब भी मैं चिकन का कोरमा बनाती हूँ ना, तो मैरिनेटेड चिकन का ही कोरमा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है। चिकन जो है ना, वो मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ था, उसमें से मैंने कुछ पीसेस जो है वो अलग कर लिए थे चिकन का कोरमा बनाने के लिए। तो बस मैंने झटपट जो है ना, वो चिकन का कोरमा बनाकर रेडी किया। उसके बाद फिर मैंने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी ना, तो मैंने बाकी चिकन में ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया था, उसको एक साइड रख दिया था। बिरयानी बनाने में क्या होता है ना, कि थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाली चीज़ है ये, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाना होता है। तो बस उसी पैन में जो है ना, मैंने ऑयल ऐड करा। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने सारा जो मैरिनेटेड चिकन था ना, तो वो सारा ऐड कर दिया। मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद मैंने जो गरम मसाला पीस कर रखा हुआ था ना, गरम मसाले में मैंने प्याज भी ऐड करी हुई थी, तो इसमें मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड करे थे, क्योंकि रेड चिली का पाउडर जो था ना, मैंने थोड़ी कम क्वान्टिटी में ऐड करा था। फिर मैंने टेस्ट करके देखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कम लगा, तो ग्रीन चिलीज़ ऐड करे। ऐड करने के बाद मैंने जो है ना, वो रेड चिली पाउडर भी थोड़ा सा ऐड करा। ऐड करने के बाद ये बिरयानी मसाला जो है ना, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा रखे रखे पैकेट जो है ना, वो ख़राब ही हो जाना है, तो इसको भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना, वो भर के बिरयानी मसाला ऐड करा इसमें। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दिया था एंड गैस की फ्लेम को जो है ना, मैंने हाई रखा हुआ था, क्योंकि जो चिकन होता है ना, वो बहुत जल्दी गल सा जाता है एंड बिखर सा जाता है, तो मैं हाई फ्लेम पर ही जो है ना, वो इसे कुक करती हूँ। एंड ये हस्बैंड जो है, वो देसी घी लेकर आए हुए थे। मैं जो है ना, वो पैकिंग वाला देसी घी अवॉइड करती हूँ, यहाँ पर जो है ना, वो देसी घी बहुत अच्छा मिलता है। स्वीट्स की जो एक शॉप है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, तो हम लोग वहीं से ही लेकर आते हैं। तो ये हस्बैंड लेकर आए हुए थे, मैंने उसको फिल कर दिया था बॉक्स में एंड मैंने थोड़ा देसी घी बचा लिया था, करीब 2 से 3 टेबल स्पून, तो मैंने ये इसमें ऐड कर दिया था बिरयानी के मसाले में, क्योंकि जो देसी घी होता है ना, आप अगर चिकन का कोरमा बनाते हैं या अदरवाइज़ कोई भी सालन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं ना, तो देसी घी ऐड करने से क्या होता है ना, कि जिसका टेस्ट होता है एंड खुशबू होती है ना, वो और भी इन्हेंस होकर आती है। अच्छा, हाई फ्लेम पर मैंने चिकन को है ना, वो बहुत अच्छे से कुक कर लिया था। आई थिंक 10 से 12 मिनट मुझे लगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था। एंड चावलों को जो है ना, मैंने एक तरफ सो करके रखा हुआ था 1 आवर पहले, तो मैंने जो है ना, एक दूसरा बर्तन लिया, उसमें चावलों को बहुत अच्छे से उबाल लिया। 90% जो है ना, मैंने कुक कर लिया था। एंड जब मैंने चावलों को उबाला ना, तो मैंने उसमें थोड़ा सा
खड़ा गरम मसाला ऐड किया था एंड मैंने ज़ीरा ऐड किया था, बहुत कम क्वांटिटी में ऐड किया था, एंड सॉल्ट ऐड किया था। तो बस 90% कुक कर लिया था। उसके बाद चावलों को मैंने पसा कर थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि 10 मिनट्स का रेस्ट अगर आप देते हो ना तो चावल जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। उससे चावल जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। उसके बाद मैंने कहा कि लेयर बाई लेयर जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। पहले मैंने चावल की एक लेयर ऐड करी, उसके बाद मैंने चिकन की एक लेयर ऐड करी। तो इस तरह से स्टेप बाई स्टेप, लेयर बाई लेयर मैंने ऐड करती गई। ऐड करने के बाद बस लास्ट स्टेप इसका यही बचा हुआ था, लेयर बाई लेयर ऐड करने के बाद जो फूड कलर होता है ना, मैंने केवड़ा वाटर में ऐड करके एंड मिक्सअप करके उसको ऊपर से छिड़क दिया था। एंड केवड़ा वाटर जो होता है ना उसकी स्मेल बिरयानी में बहुत अच्छी आ जाती है। एंड फूड कलर जो होता है ना, तो अगर आप वो बिरयानी में मिक्सअप नहीं करते हैं तो फिर बिरयानी का जो एक मज़ा होता है ना, फिर वो नहीं आता है देखने में। मतलब बिरयानी जो है ना वो बिरयानी लगती ही नहीं है, फूड कलर के बगैर जो है ना वो बिरयानी अधूरी सी लगती है। मिंट लीव्स जो है ना वो मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे, तो मैंने उसे कट करके ऐड कर दिया था और बिरयानी को बस मैंने दम दे दिया था 15 मिनट्स के लिए, तो बस ये रेडी हो गई थी। लास्ट मेरा काम जो बचा था ना, तो मैंने कहा कि जल्दी से झटपट रायता बना लेती हूँ। बूंदी जो है ना वो मेरे पास रखी हुई थी, मैंने बूंदी का रायता बनाया था, बहुत टेस्टी था। बूंदी का रायता जब मैंने बनाकर रेडी कर लिया ना, तो उसके बाद मिंट लीव्स जो है ना वो बच गए थे, तो मैंने उसमें भी ऐड कर दिए थे, बूंदी के रायते में भी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि वीकेंड्स में जो है ना वो हम लोग बाहर नहीं जाते हैं एंड कभी कभी हस्बैंड का भी दिल नहीं करता है, क्योंकि बंदा जो है ना वो डेली बेसिस पर ऑफिस वर्क होता है, बहुत सारे जो है ना वो काम होते हैं, टेंशन होती है, तो आराम करने का भी दिल करता है, तो हम लोग जो है ना वो स्किप कर देते हैं वीकेंड। और अभी यहाँ सऊदी अरेबिया में इतनी ज़्यादा मतलब जो है ना शिद्दत वाली गर्मी पड़ रही है ना, कि बाहर निकलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर पार्क भी बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड कॉर्निश भी जो है ना वो बहुत सारे हैं, बट इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी में है ना, पार्क में भी बच्चे इंजॉय नहीं कर सकते हैं एंड कॉर्निश एरिया पर भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो गर्मियों में जो है ना वो बिल्कुल भी हम लोग नहीं जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग को कहीं जाना होता है, मतलब किसी शॉप जाना होता है या मॉल जाना होता है ग्रोसरी करने के लिए, तो बस हम लोग वहाँ पर निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेते हैं वहाँ पर। अच्छा, डिनर का टाइम हो गया था ये, तो मैंने सारी चीज़ें दस्तरखान पर सेट कर दी थी। सो ये था मेरा बहुत छोटू सा व्लॉग, आई होप सो मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।